टेक्निकल भी प्रशान चैनल पर स्वागत है। मेरे फ्रेंड बॉक्सिंग निकले एक्स मेट्री मारे जी सीमान बॉक्सिंग करने वाला हूँ। इसकी प्राइजिंग फीस बताऊंगा एवं इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस बताऊंगा रही बताऊंगा कैश प्राइज में इस एक्स मेट्री मेरे को आपको 25 वगैरह करने चाहिए नहीं। चलो दोस्तों फिर आगे बढ़ने से पहले बता दूँ वीडियो आप देख रहे हैं और अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, उसके नीचे सब्सक्राइब बटन रखो उसे भी एनेबल कर दीजिए, उसके बगल बेल आइकन को उसे भी एनेबल कर दीजिए ताकि ऐसे कुछ कमाल के अनबॉक्सिंग वीडियो आते रहते उसे अपने फोन पर सबसे पहले देख पाए। चले फिर दोस्तों अनबॉक्सिंग से पहले बॉक्स पैकिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो एक्समेट का लोगो दिया गया, यहाँ पे एक्समेट की ब्रांडिंग की है और नीचे यहाँ पे क्यू क्रोडलेस वीडियो ट्रिमर है जिसका मॉडल नंबर है तो इसकी ब्रांडिंग की है। यहाँ पे आपको ट्रिमर का इमेजेस वगैरह दिया गया और साइड की बात करें तो यहाँ पे जितने भी सैलून में इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्ट हेयर ड्रायर वगैरह उन सबका इमेज दिया गया जो देखने में काफी कूल वाला फीलिंग वगैरह आती है तो देखने में पर्सनली बताऊँ तो अच्छी लग रही है इधर की बात करो तो। और बैक साइड की बात करो तो बैक साइड भी लोगो दिया गया और यहाँ पे आपको फीचर्स वगैरह जो है ए टू जेड डिटेल्स वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया तो फटाफट यहाँ पे ए टू जेड डिटेल दिया गया तो बॉक्स पैकिंग जैसे बताओ कॉम्पैक्ट साइज रखा गया जो सिंपल सी बॉक्स पैकिंग है अच्छा लग रहा है देखने में बॉक्स पैकिंग बताऊं पर्सनल बात करूं तो फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स पैकिंग में ट्रिमर के साथ साथ और क्या क्या देखने के लिए मिलता है तो इसको फटाफट इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने पहले ओपन कर लिया था तो आसानी होगी मुझे और बॉक्स करने में इसको इसको निकालते हैं दोस्तों। इसको डब्बे को साइड में रखते हैं और सबसे पहले ऊपर रखा हुआ मिल जाता है हमें यूएसबी ए पोर्ट के साथ इसका चार्जिंग केबल मिल जाता है जिसको आप अपने अडैप्टर वगैरह में लगा कर चार्ज कर सकते हैं। माइक्रो यूएसबी पोर्ट होता तो काफ़ी अच्छा होता लेकिन यही पोर्ट मिलता है तो इससे काम चलाना पड़ेगा। और नीचे की बात करो देखते दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले मिल जाता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है जिसको यूज मैनुअल का ऐसे भी कह सकते हैं तो यहाँ पर ए टू जेड डिटेल्स वगैरह दिया गया कैसे इस्तेमाल वगैरह करना चाहिए कोई प्रॉब्लम वगैरह आता है देख सकते हैं दिया गया दोस्तों थोड़ी सी पता नहीं इसमें भरा हुआ भी नहीं है ऑयल वगैरह दिया गया जो इसका ब्लेड्स वगैरह होता है उसको साफ करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्रश मिल जाता है जो ब्लेड वगैरह इस ऑयल के थ्रू साफ कर सकते हैं जो आपको साफ करने में आसानी होगी। इसकी भी अच्छी देखने में क्वालिटी लग रही है और ये दो मिल जाता है दोस्तों इसमें ट्रिमर के लगाने के लिए ऊपर ट्रिमर के ऊपर जो लगाने के लिए होता है उसके लिए दो हमें दो साइज में देखने को मिल जाता है बड़ा साइज और ये छोटा साइज है तो दोनों को लगा सकते हैं इसमें। और ये हमारा ट्रिमर तो फटाफट इन सबको साइड में रखते हैं और फिर दोस्तों ये हमारा एक्स मेट्री मर जिसकी सबसे पहले कलर है बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो कलर तो आप भी देख पा रहे हैं मेट ब्लैक है जो जितने भी लगभग ट्रिमर आते हैं ब्लैक में आता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो बिल्ड क्वालिटी ए टू जेड प्लास्टिक रखी गई है जो आपको फिनिशिंग वगैरह की बात करो तो पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी उतनी मजबूत प्लास्टिक इस्तेमाल तो नहीं गया लेकिन फिनिशिंग वगैरह काफी अच्छा है। जो डिजाइन की बात करूँ तो काफी कॉम्पैक्ट सा साइज है छोटा सा ट्रिमर है काफी इतना बड़ा ट्रिमर है नहीं जो देखने में पर्सनली बताऊँ तो काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको नीचे पोर्ट्स वगैरह दिया गया तो इसको चार्ज वगैरह कर पाएंगे ऊपर लाइट दिया गया जो देख पाएंगे चार्ज हो रहा है नहीं। यहाँ पे एक्समेट का लोगो दिया गया और ऊपर की बात करूँ तो यहाँ बटन दिया गया जिसको ऑन ऑफ कर पाएंगे और उसके ऊपर बात करूँ यहाँ पे तो साइज वगैरह दिया गया जो आप 1 से लेकर 20 तक साइज दिया गया तो 20 साइज 20 ऑप्शन इसमें मिलने वाला जिसको सेट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर लॉक दिया गया जो जो से साइज पर यूज करना चाहते हैं यहाँ से लॉक कर दे तो यूज करने में आसानी वगैरह होगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसमें ऊपर की बात करूँ तो ये निकाल सकते हैं आसानी से दो साइज मिल जाते हैं वाले कैप दो मिलते हैं बड़ा मिल जाता है एक छोटा तो इसकी भी क्वालिटी काफी पसंद बताऊँ तो अच्छी ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है। जहाँ पे आपको इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लेड दिया गया जो 30 mm का स्टेनलेस स्टील ब्लेड है जो आपको यूज करने में काफी प्रॉब्लम नहीं आएगी काफी लॉन्ग टाइम तक यूज वगैरह कर सकते हैं। जो स्टेनलेस स्टील ब्लेड होता है काफी अच्छा होता है जहाँ पे आपको निकाल के ब्रश से इसको साफ वगैरह कर सकते हैं तो आप यूज करते हैं तो इसमें बाल वगैरह फंस जाता है तो आसानी से ब्रश भी दिया गया तो आसानी से साफ वगैरह इसको कर पाएंगे जो आपको यूज करने में कोई प्रॉब्लम आने वाले नहीं है आसानी से यूज वगैरह कर पाएंगे आप यूज करना चाहेंगे। तो इसमें दोस्तों बैटरी वगैरह की बात करूँ तो बैटरी यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया नीचे 500 mAh की बैटरी दी गई जिसको आप चार्ज करने में एक बार चार्ज करेंगे तो 2 घंटे लगने वाला जो बहुत ज़्यादा वैसे टाइम तो बहुत ज़्यादा है 2 घंटे चार्ज करने में लगेगा। जैसे आपको चार्ज करेंगे यहाँ ग्रीन लाइट जल गया और चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली लाइट बंद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रिमर चार्ज हो चुका है और एक बार चार्ज कर लेंगे तो 2 घंटे तक यूज कर पाएंगे जो 2 घंटे चार्ज करने में लगेगा और 2 घंटे तक यूज वगैरह कर पाएंगे। तो वारंटी वगैरह मिल जाती है काफ़ी अच्छी 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ट्रिमर है। मेरे पास 2-3 दिन पहले आ गया था मैं यूज कर रहा हूँ कॉम्पैक्ट साइज में जो डिजाइन वगैरह पर्सनली बताऊँ तो काफ़ी अच्छी लगी। जिसमें आपको प्राइजिंग वगैरह बात करूँ तो ये 700 रुपये का प्राइजिंग है जो एक्समेट का है तो अमेजोन पे अवेलेबल है अमेजोन से आप परचेज वगैरह कर सकते हैं। तो काफ़ी मेरे हिसाब से अगर परचेज करना चाहते हो तो सिस्का वगैरह के आता है फ्लिप्स वगैरह के आता है ये भी अपने प्राइस में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह लेके आता है बैटरी बैकअप वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बैटरी बैकअप वगैरह अच्छा मिल जाता है। वाटर प्रूफ नहीं है ये एक प्रॉब्लम है वाटर प्रूफ होता तो काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट होता अपने प्राइजिंग के हिसाब से। चले फिर दोस्तों अगर परचेज करना चाहेंगे तो अमेजोन पर जैसे बताया लिस्टेड वहाँ लिंक वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा
परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। और भी मैंने काफ़ी कुछ ट्रिमर अनबॉक्सिंग किया जो आपको एक्समेट का ही एक ट्रिमर है और भी दो तीन ब्रांड का मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छे प्राइजिंग के साथ आता है, वाटर प्रूफ भी आता है दोस्त में, इसका लिंक वगैरह दे दूंगा, आप उसको परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो इसका तो लिंक मिल ही जाएगा, जो आपको लॉकडाउन में अभी बाहर सैलून वगैरह नहीं जाना चाहते तो काफ़ी अच्छा है आपके हिसाब से, घर पर शेविंग वगैरह करना ज़्यादा लोग चाहते हैं, सैलून जाना काफ़ी लोग प्रेफर नहीं करते अभी कोरोना के टाइम में, जो आपको बहुत लोग चाहते हैं घर पे सेम वगैरह हो जाए तो काफ़ी अच्छा है, चार्ज वगैरह कर सकते हैं, रिचार्जेबल बैटरी से मिल जाती है तो यूज वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, अगर परचेज करना चाहेंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल बेल आइकन घंटा को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। अगर आपने कर रखा है तो प्लीज वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब बोले करेंगे मेरे चैनल को, और आपके घर में आसपास कोई रहता है तो उनके फोन पर जाकर प्लीज आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, कमाल की वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको भी किसी चीज के रिलेटेड वीडियो देखना है, टेक के रिलेटेड से कोई भी चीज से, तो मेरे को कमेंट करके बताइए, उस पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चलिए फिर आज के लिए इतना, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।